हेलो दोस्तों, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एंजल वन में अपना बैंक अकाउंट आप किस तरीके से चेंज करें। तो इस वीडियो में मुझे काफी सारे कमेंट मिले कि हम एंजल वन के अंदर बैंक अकाउंट को डिलीट कैसे करें। मतलब कि अगर हम न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं तो हमारे दो बैंक अकाउंट ऐड हो जाते हैं। अब एक बैंक अकाउंट ऐसा है जो कि हमारा बंद हो चुका है तो वो एंजल वन में किसी काम का नहीं है। तो अगर मैं कभी विड्रॉल वगैरह लगा दूंगा तो पैसा हमारा उस बैंक अकाउंट में चला जाएगा धोखे से। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो हमारा अकाउंट है वो क्लोज हो गया है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला गया है, तो मैं इसको एंजल वन के अकाउंट से रिमूव कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एंजल वन से आप किस तरीके से अपने एक अकाउंट को रिमूव कर सकती हैं अगर आपके दो बैंक अकाउंट है तो। तो एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हमें ये फीचर नहीं मिलता है कि हम अपने बैंक अकाउंट को रिमूव कर सकें, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने अपना एंजल वन एप्लीकेशन लॉगिन किया है। अगर हम अकाउंट में जाते हैं फिर हम अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तो इसमें नीचे हमें बैंक अकाउंट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर हमने दो बैंक अकाउंट ऐड किए हैं तो मैं किसी को भी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इनमें से किसी भी बैंक अकाउंट को रिमूव या फिर डिलीट करना चाहूँ तो ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं कोई तीसरा बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड करने का यहाँ पर इसमें प्रोसेस हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐड तो कर सकते हैं या फिर इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन रिमूव या फिर डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आखिर हम किसी भी बैंक अकाउंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो एंजल वन एप्लीकेशन के द्वारा आप बैंक अकाउंट को रिमूव या फिर डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एंजल वन के कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल करना है। कॉल करके आपको बोलना है कि मेरे दो अकाउंट हैं, एक को मैं रिमूव या फिर डिलीट करना चाहता हूँ। जब आप इनके कस्टमर को ये बोलेंगे तो कस्टमर सर्विस वाले आपको एक मेल करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ऑफिशियली काम मेल के थ्रू ही होता है, आपने बोला कुछ है लेकिन यहाँ पर जब आप मेल पर इनको कंफर्मेशन दे देंगे तभी ये आपके बैंक अकाउंट को रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है प्लीज गिव कन्फर्मेशन फॉर रिमूवेबल ऑफ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हमने इसके बैक में इनको सेंड किया है, मतलब कि हमारे दो बैंक अकाउंट थे ना, तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिर हमने उसका अकाउंट नंबर भी डाला, नीचे लिखा प्लीज रिमूव दिस बैंक अकाउंट। ऐसा मैंने डालने के बाद, ठीक है, फिर हमें इनका एक इन्होंने रेफरेंस नंबर वगैरह दिया है। लेकिन इन्होंने हमें कॉल पर बोला था कि जब आप इस प्रोसेस को कर देते हैं तो 24 से लेके 48 घंटे का टाइम लगता है, फिर आपका बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एंजल वन के अंदर अपना बैंक अकाउंट रिमूव करने का प्रोसेस कर सकती हैं और 24 से लेकर 48 घंटे का टाइम लगता है, आपका बैंक अकाउंट रिमूव हो जाता है। और फिर भी नहीं होता है तो आपको दोबारा से कस्टमर सपोर्ट के लिए कॉल करना है, वो आपको दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब कि यही प्रोसेस आपको दोबारा से फिर करना है। ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट रिमूव हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।